Assalamu alaikum Nazreen. नाज़रीने ग्रामी, आखिरकार अमेरिका ने पाकिस्तान की फौजी और मिसाइल ताकत को मान लिया है। अमेरिका मान गया है कि जंग की सूरत में पाकिस्तान इसराइल और भारत को सफाई हस्ती से मिटा सकता है। यूएस कौंसल ने पाकिस्तान, भारत और इसराइल की ताकत पर नजर दौड़ाते हुए इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान का सिक्योरिटी सिस्टम पिछले कुछ सालों से भारत और इसराइल से ज्यादा ताकतवर हो चुका है और पूरी दुनिया इस बात को तस्लीम करती है कि पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी के मैदान में अपना लोहा मनवा दिया है। पाकिस्तान के पास एक नहीं बल्कि हजारों ऐसे हथियार हैं जो जंग की सूरत में पाकिस्तान को जंग का फतह बना सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान की फौज भी एक्टिव है। नाज़रीने मोहतरम, ये इदारा हर 5 साल बाद एक रिपोर्ट जारी करता है और अगले 5 सालों में क्या होने वाला है इस इदारे की जानिब से एडवांस में बता दिया जाता है और एक अंदाजे के मुताबिक अब तक इस इदारे की जानिब से जितनी भी पेशगोईयां की गई हैं वो तकरीबन सच साबित हुई हैं। इसकी ताज़ा और हालिया मिसाल अर्मीनिया आज़रबाईजान जंग है। ये जंग कब होगी इसका पहले से ही बता दिया गया था, जबकि अब इस इदारे की जानिब से पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से भी यही दावा किया जा रहा है जिसके मुताबिक पाकिस्तान और इंडिया की बढ़ती हुई फौजी ताकत को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों मुल्क बड़ी जंग की तैयारियां कर रहे हैं। इस अदारे के मुताबिक अगर जंग हुई तो पाकिस्तान इंडिया पर हावी हो जाएगा क्योंकि पाकिस्तान को फ्यूचर सुपर पावर चीन का भरपूर साथ हासिल होगा और रूस भी पाकिस्तान की इस जंग में खुफिया मदद कर सकता है, जबकि इसराइल खुद खौफ में मुब्तला हो जाएगा कि वह खुद को बचाए या फिर भारत का साथ दे, क्योंकि इसराइल पर बहुत ज्यादा जंगी दबाव है जिसको वो मजीद फेस नहीं कर सकता है। तो नाज़रीने मोहतरम, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल फरी जोन को सब्सक्राइब कीजिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।